महमूद हुसैन कुरैशी के साहबजादे डिप्टी पार्लियामानी लीडर नेशनल असेंबली जनाब मखदूम जैन महमूद हुसैन कुरैशी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्वाबी की गयूर अवाम मुबारक हो आपको। आज अवाम का ये ठाठे मारता हुआ समुंदर स्वाबी में इकट्ठा हुआ है दो मुतालबे करने के लिए। पहला मुतालबा हमारे कायद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को फौरी रिहा करो। इमरान खान साहब के साथ जितने असीरान जितने कायदीन और कारकुनान आज साल से ज्यादा हो गया पाकिस्तान की जेलों में पड़े हैं ना हक पड़े हैं उनको फौरी रिहा करो। और दूसरा मुतालबा कि हमारे मैंडेट के ऊपर 8 फरवरी को डाका डाला गया। 8 फरवरी को यह आवाम का समुंदर सबूत दे रहा है कि आग का दरिया अबूर करके पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया था। हमसे आपने हमारे निशान छीन लिए। मुझे जूते के निशान दिया गया और मैं मुल्तान की गयूर आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन्हें 150 की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने जूते के निशान पे 2.25 लाख वोट देकर मुझे मुंतखब करके कौमी असेंबली में इमरान खान का सिपाही बनाकर भेजा। इसी तरीके से मैंने तब भी कहा था हमसे हमारा निशान ले सकते हो हमारी पहचान नहीं ले सकते। हमारी पहचान कल भी इमरान खान था हमारी पहचान आज भी इमरान खान है और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक इमरान खान रहेगा। मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूं तो मैं कैदी नंबर 805 शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम लेकर आया हूं। और मुझे शाह साहब ने कहा कि स्वाबी की आवाम को और पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान की गयूर आवाम को मेरा यह पैगाम दो कि वक्त आग दूर नहीं जब जल्द इमरान खान साहब आपके और हमारे दरमियान होंगे। उनका कहना यह था कि अब लड़ाई हमारी जात की नहीं अब लड़ाई पाकिस्तान को बचाने की है। उन्होंने कहा मुझे कि स्वाबी की आवाम को जाकर बता दो कि एक तहरीक चली थी पाकिस्तान को बनाने की हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी पाकिस्तान को बनाने के लिए एक तहरीक इमरान खान ने चलाई है पाकिस्तान को बचाने की और आपने इमरान खान की इस तहरीक में इमरान खान का साथ देना है। 30 अक्टूबर को जो ख्वाब हमें इमरान खान ने दिखाया था अब वक्त आ रहा है उस ख्वाब को ताबीर करने का उस ख्वाब को पूरा करने का। और शाह साहब ने मुझे कहा कि यह बताओ स्वाबी की आवाम को कि इंशाल्लाह जब इमरान खान के साथ मैं रिहा होऊंगा हम सफर वहीं से जारी करेंगे। मैं वक्त बहुत कम है आखिरी बात शाह साहब के घर के फिर इजाजत लूंगा। मुझे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को मेरा यह पैगाम दो कि मैं आज स्वाबी के जलसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान से वादा करता हूं कि इंशाल्लाह जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के विजन का दिफा करूंगा। और अगर कोई ऐसा अनासर इस जमात में आने की कोशिश करे जिसने इमरान खान के विजन के साथ बेवफाई की थी या जो वक्त आने पर इमरान खान के विजन से हट गया था तो मैं ढाल बनकर
उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा और मैं इमरान खान के इस विजन को आपके साथ लेके आगे चलूंगा। तो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। स्वाबी के दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस मोहब्बत का इजहार आपने किया और आपने सबूत दिया कि अगर पंजाब के अंदर हमें जलसे करने दिए जाए तो ऐसे ही पंजाब के एक एक जिले में ऐसा जलसा हो सकता है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे दीगर जितना सीरानों बाहर होंगे। तो आखिर में अपनी वालिद की रिवायत को पूरी करते हुए इजाजत ले रहा हूँ, मैं तीन नारे लगवाऊंगा। मेरे नारे का जवाब स्वाबी की आवाम आपने देना है और ऐसे देना है कि अडियाला जेल तक इसकी जवाब जाए। तैयार हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ना वो कैदी ना गद्दार। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब मैं हमाद अजहर साहब को दावत देने लगा हूँ। भाई तकरीरों का मामला ये, असद कैसर साहब मुझे नाम बता रहे हैं और इस हिसाब से हम कर रहे हैं। और जरा एक बार मोबाइल लाइट्स ऑन करें, सारे सब अपने अपने मोबाइल लाइट्स ऑन करें जहां तक मेरी आवाज हो पीछे तक। स्वाबी माशाल्लाह, स्वाबी वालों जब